माता के बारे में इन्होंने भेजा। लोग 60 साल तक रिश्ते संजोकर नहीं रखते। एक बेटे ने अपनी माँ की उपलब्धि की पेपर कटिंग कर दी थी। आज इस सभागार में मेरी उपस्थिति उस बेटे के अपने माँ के प्रति प्यार का एक संकेत है। लोग अक्सर जीवन की आपाधापी में अपनों के लिए वक्त नहीं निकालते। आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं कृष्णा जी के लिए, उनके परिवार के लिए वक्त निकालते हुए, ये भी उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर इस मंच पर कहा गया, शी इज राइटिंग इवन एट 92 एंड एज अ वुमन लेट मी टेल यू, वी आर राइटिंग नॉट इवन बिकॉज वी आर एट 92, वी आर राइटिंग बिकॉज वी आर 92 एंड आई से वी हियर because most women will relate to this. We are judged our entire lives on the basis of our relationships, on the basis of what we give. It is very rare for a woman to say, I want to live for myself apart from living for my relationship. When her son gave me a note on Krishnaji, she said, and I quote, if I had not been married, I would have served the country more. Let me only say this, Krishnaji. You serve your country well, for you gave birth and have brought up a loving family, a family and well-wishers who come here today to celebrate your life. For battles are fought not only at the frontiers, they are fought with everyday circumstances. You're here today, that in itself is a manifestation of your victory as a human being. मैं आज प्रीति जी के संदर्भ में ही बोलना चाहूंगी आरोग्यपुरम वालों के बारे में, क्योंकि उन्होंने, नाविका जी ने जब कहा अच्छा और डंडे से नहीं समझाया, तो उन्होंने कहा ये वाला डंडा तो मैं घर में निपट लूंगा। लेकिन ये कहना, the effort going behind this entire enterprise, and I say this choosing that word enterprise well, it is very nice to talk about writing with this philanthropic in nature. I know in Prabhatji you will always find a supportive publisher, but the fact that you use enterprise of a woman in her 90s to write, turn it into a profit-making establishment to serve others, speaks volumes about your own character. The fact that Arkipuram walon ne aapke dande ko jab jahir kar diya hai, उसके बारे में आपको किसी प्रकार की ग्लानी नहीं होनी चाहिए। मैं भी हाँ। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिलाओं में एक खासियत है, हम चाहे जीवन के अलग अलग छंदों में लड़ लें, चाहे जीवन के अलग अलग पड़ावों में लड़ लें, लेकिन कुछ बात ऐसी है हमारे रिश्तों के बारे में कि हम अपनी लड़ाइयाँ भूल कर कई बार रिश्तों पर अपने, और उन रिश्तों को कैसे अहमियत दें, उन रिश्तों को कैसे संजो कर रखें, उस पर ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। नाविका बैठी है तो उसका उल्लेख दोबारा करती हूँ। कई रात को 9 बजे राविका और मुझे आप एक दूसरे पर कई बार शायद चिल्लाते हुए देखे होंगे, लेकिन मुझे आज भी याद है एक वक्त ऐसा जब हम दोनों के बच्चों का बोर्ड का सिलेबस और मार्कशीट और डेटशीट कब निकलना है, बिकॉज वी आर वर्किंग मदर्स, वी कुड नॉट कोलेट दैट इंफॉर्मेशन एज इफेक्टिवली एट अदर मदर्स। Without a trace of guilt, we would call at 9 o'clock, shout at each other, and at 11 o'clock ask, date sheet nikli kya? And I think that is what manifests womanhood. In your book, Whispers of Time, you speak nonchalantly about the fact ki bhai ko malai di gayi, aur beti ko sirf aur sirf kaccha doodh, wo bhi thoda sa pani ke saath mila hua diya gaya. Is baat ka aakrosh nahi hai kitab mein, कि भाई को मलाई क्यों दी गई, मुझे पतला दूध क्यों दिया गया, बल्कि एक मुस्कुराहट है जो कहता है कि एक दिन मलाई वाला दूध पीने का पैसा मेरी अपनी जेब में होगा। दैट इज व्हाट डिस्टिंग्विश कृष्णा जी। बट एज वी ऑल नो, सिंस देयर आर टाइम्स व्हिच आर विस्परिंग थ्रू दीस पेजेस ऑफ डॉक्टर सक्सेनास बुक, शी टॉक्स अबाउट अ दादी हु गोज फॉर अ मुंह दिखाई and comes back without paying a penny to the bahu. And the reason being
बहू ने घूंघट काढ़ा ही नहीं था, दूर से शक्ल दिख रही थी तो पैसे क्यों बर्बाद करो।